मैं सोच रहा था हमारे एक ये है दूर के मामा लगते हैं, उनके पास भी मैंने सुना 85 लाख रुपए है। मैंने इंतजार किया 2 हफ्ते, हम मर जाए हम मर जाए, नहीं मरे। 2 हफ्ते से नहीं मरा कोई, ना ही पैसे आए, यूं रो रहा हूँ। और बात मुल्ला भाई, और तू अब बताओ, इस हफ्ते मरेगा? कौन मरेगा? मरेगा मैं क्यों मरेगा? मरेगा जगदीश, जगदीश बात सुनो, शुरू करो। जगदीश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं, मेरा सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ सर मैं कई दिन से कि कोई तुम्हारे कोई तो पैसे दे। सर मैंने सुना आपके पास भी काफी पैसे हैं, आप भी मर जाइए पैसे छोड़ के। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को मरवाता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। Radio Mirchi 98.3 FM presents. Hello? Hello? ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, जो कर लेते हैं घरों में शादी होती है उनका मुर्गा बना रहे थे। हेलो ये चटा जी, चटा जी, चटा जी, आई एम सो हैप्पी। यू नो चटा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना, बढ़िया। मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्वेटर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिस यूज किया है। खानी एक पीस है, चार चार उठा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। शादी विवाह में चलता ही रहता है, बस चलो मजा आया ना, बस यही हमारे को वो है। मेरा मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन ही। मैं आपको कैसे बताऊँ, सिरदा विहार में आपने कार्ड, ये कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। अब 2500 लोगों को बुला रहे हो, कहा आपको याद आता है? भाई जगह शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए बताइए। अच्छा मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भाई। अब एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया, मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था एनवलप में, समझे आप? तो मेरे को तो याद नहीं, मेरे को याद है, मेरे को याद। हमारी इंटेंशन 1000 की थी, हमने कहा चलो 1000 ले लो खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने वाइफ ने भी कहा आपसे पक्का नहीं है, मेरे को भी याद आ गया। तो वो 500 अगर वापिस, नहीं नहीं आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी लग रहा है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए, ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दे उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है, 500 फालतू मैंने दिए है अरे वाले लिफाफे में। यार फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो एक ग्रीन एनवेलप, आपको तो खुद लग गया होगा, जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको, जैसे मेरे को पैसे वापस। ठीक है, आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो क्या 500 छोड़ो, 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया ना तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बंदे जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे। रात तो मेरी वाइफ ने बैठ के एक एक देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ, और सुन ले कितने लगा रहे तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ, 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा है? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। 70 बकवास भर कर 500 फालतू है वो। सर मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच, रायता पीजिए और शादियां करिए कुकड़ों को इनकी तरफ। हेलो, हाय विनोद भैया। हेलो कौन? मैं बबीता। 5 लाख की लॉटरी निकली, अब रिश्तेदारों को भूल गए आप? अरे अभी आए नहीं है सही, पता नहीं कितना टैक्स काटेंगे। अरे बोल कौन रही है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। बबीता
बबीता कौन? आपकी जो मम्मी है ना, हाँ, उनकी मासी के भैया की छोटी ननद बोल रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आप घर पे आइए किसी दिन खाना खाने। हाँ आ जाएंगे। ठीक है, आपसे बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ थोड़ा। हेलो। हेलो विनोद। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बेटे मतलब आप पूछना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है, रिश्तेदारों को बताना पड़ेगा कौन बोल रहा है। 5 लाख की लॉटरी निकल गई, भूल गए अपने लोगों को। मैं पहचाना नहीं आपको, कौन बोल रहे हैं? बेटे मैं आपके पापा के जो पापा हैं, हाँ जी, उनके बड़े भाई का दोस्त हुआ करता साहब। हाँ, उनका छोटा बेटा हूँ मैं। जी अंकल बताइए। मुबारक हो, 5 लाख की लॉटरी निकली है। अरे बस यार बहुत खर्चे यार अपने यार, उसमें कुछ बचना थोड़ना है। आए नहीं है वैसे, बट ठीक है आ जाएंगे, वो तो आ जाएंगे पैसे। मतलब कब पेपर में कब आया ये? अरे पिछले हफ्ते बताया था उन्होंने, पता नहीं अभी पहुंचे नहीं है पैसे। पहुंच तो जाएंगे, पैसे तो पहुंच जाएंगे। मैंने तो फोन इसलिए किया था, आओ बेटे किसी दिन घर वर पे आओ आप खाने पे। हाँ अंकल आएंगे, देखते हैं अभी प्लान बना। जरूर आना, पैसे आ जाएंगे, डोंट वरी, पैसे तो आ जाएंगे। मैंने कहा मोबाइल दे दो। हेलो बेटे मुबारक हो। कौन कौन 5 लाख के बाद कौन? बेटे मैं आपके दादाजी जो थे, और ये मैं और मेरे आपके दादाजी पार्क में हमेशा हम साथ टहलते थे, तो मैंने कहा भाई रिश्तेदार हो गए, 5 लाख निकल गए। जॉइंट फैमिली भाई अपनी, सबके लिए कुछ ना कुछ है यार, लॉटरी निकल गई भी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। जानना मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ इसको खाने पे बुलाओ किसी दिन, दावत करो। मतलब मेरा मैं बेचैन था उस दिन से। अंकल आपने नाम नहीं बताया अपना। आपके दादा और मैं रात में रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। मेरे दादाजी तो व्हील चेयर पे थे अंकल, तो मैं वॉक करता था ना, वो देखते थे बैठ के। ठीक है भाई बताओ फिर। और बेटे कैश आ गया? जब आ जाएगा मैं आपको फोन करके बता दूंगा। आप घर आओ यार खाने पे, मैं सही बता रहा हूँ, मोहब्बतें बढ़ती हैं। ठीक है ठीक है अंकल, देख लेंगे अभी सुबह ही विजिट। हेलो मुबारक हो जी, 5.5 लाख की लॉटरी और किसी अपने की निकल जाए ना, मैं सही बता रहा हूँ, उससे तो ज्यादा दिल खुश होता है। जब से पता चला है कि हमारी रिश्तेदार की 5.5 लाख की लॉटरी निकली है, मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार बधाई दो और मुबारकबाद दो, घर पे बुलाओ किसी दिन खाने वाले में। बोल कैसे रिश्तेदार हो? हमारे घर से आपकी छत की टंकी दिखती है बेटे, और छत पे अगर स्टूल रख के खड़े हो जाओ आपकी डिश का एंटीना भी दिखता है बेटे। ऐसी थोड़ी आप लोगों को छोड़ देते हैं। मैंने कहा बुलाओ भाई, रिश्तेदार हैं हम, लॉटरी निकली है। हेलो अंकल एक काम करो। हाँ जी आप ही पैसे ले आओ मेरे, ठीक है? बैठे तो सब मिलके मुझे फोन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से रिश्तेदार निकल निकल के सब निकाल के साले दिमाग खराब कर दिया सुबह से साले। जब पता चला नहीं 5 लाख निकल गए साले, घर पे आए नहीं, पहले लंगर बढ़ा दिया इन्होंने। ले आओ ले आओ, अभी तू ले जा भाई, मेरे घर के सारे बाहर बैठ जाओ चौकड़ी मार के। जो दुकान वो आएगा ना लेकर, अपने खुद ही बांट के ले जाना अपने सारे, ठीक है? मैं लास्ट में ना मैं डालूंगा भाई, जो करना है कर लो भाई, तुम रख लो सारे। Mirchi 98.3. Hello? Hi. Hi, kaun? Aditya. Hello? Aditya Kapoor? Yeah. Hi. आपकी फ्रेंड ने बता दिया मुझे आप रोज स्टॉक करती हैं, कैसी हो तुम? बढ़िया। आवाज तक नहीं सुनी होगी तुमने आदित्य की आज तक ना? तो नहीं, वो हिम्मत नहीं होती थी। आवाज तो काफी सेक्सी है। थैंक यू। तुम कहीं किसी जहाज वगैरह में काम करते हो ना? मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा वो माइंड मत करियो, बट वो जो लड़की कौन है वो फोटो फेसबुक पे? मेरी फ्रेंड होगी। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। फिर फोन क्यों किया तूने? मुझे बात करनी थी। बात तो चली रही है। तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। पापा तो अभी नहीं मानेंगे, पापा ने कहा है अभी बीएड कर लो। तुम करती रहो बीएड, मुझे पापा से बात करनी थी। पापा तो है नहीं वहाँ पर, क्या कहना है तुझे? नहीं मैं पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ, तो उनकी LIC पॉलिसी चल रही है, उसका चेक लेना था मुझे। फोन क्यों किया तूने फिर? इंश्योरेंस के लिए? पापा से बात करने के लिए।
अच्छा और आदित्य क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आदित्य, मैं नहीं हूँ आदित्य। कौन बोल रहे? मैं आदित्य का कलीग हूँ, वो उसको स्टॉक जो करती हो तुम, मेरे बराबर में बैठा है, बुलाता हूँ। आदित्य यहाँ बात करो। हेलो, कौन? आदित्य, मेरे को आदित्य कपूर। पहले पहले इन्होंने नहीं बताया था, मैंने देखा भाई रात में कुछ शौक करे थे ना, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लो। और बताओ क्या हाल चाल है? तो आदित्य, हाँ हाउ आर यू? आई एम आदित्य। फोन तक मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए तुझसे। देखा आपने, इंसान सही कहते हैं कि आवाज से कितना फर्क पड़ता है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स हॉट। हेलो अजय भैया, दो दिन रह गए हैं। हाँ जी अजय भैया, दो दिन बाद सुप्रिया दीदी और आप एक साथ, भगवान करे आपकी शादी बहुत अच्छी। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमारे में भी है सुप्रिया दीदी आपसे अब दो दिन तक बात नहीं करेंगी। दो दिन तो है अभी, यू नो व्हाट, सुप्रिया दीदी को भी स्पीकरफोन पे सुन रही हैं और इतनी शर्मा रही हैं। मैंने कहा यार कम से कम अब बात नहीं कर सकते, मैं आवाज सुनवा देती हूँ। अभी ओपन लगवाएंगे, उनके काफी काम चल रहे हैं घर में। अभी क्या कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया दीदी बैठी हूँ। सुप्रिया दीदी पूछ रहे क्या कर रही हूँ। शर्मा रही है। अजय भैया आपसे एक बात करनी थी, मैं सुप्रिया दीदी की मासी की लड़की हूँ, आप मिले ही नहीं मेरे से और शादी भी करीब आ गई। शादी के बाद तो मिलेंगे, शादी के बाद तो जरूर मिलेंगे। अच्छा मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, सुप्रिया दीदी ने भी आपसे कहलाया और मैं भी कह रही हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे एक बात पूछें तो? हाँ जी हाँ जी पूछिए। अजय भैया गलियाँ आती हैं आपको? नहीं, झूठ मत बोलिए अजय भैया। अभी सुप्रिया दीदी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही है कि वो उनसे पूछो। अब आप एक ही हो रहे हैं और हमारा ही मानना है, वी आर फ्रेंड्स। अजय भैया मेरे को सुना दोगे? नहीं, नहीं, प्लीज अजय भैया, अजय भैया थोड़ा सा हम स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं प्लीज। इनसे पूछा सुप्रिया दीदी, इनसे भी सुन ली मैंने, अभी सुनाई है सुप्रिया ने। हाँ डियर फ्रेंड्स प्लीज, मैं बताता हूँ बस, माइंड मत करना। नहीं नहीं माइंड क्यों करेंगे। अजय भैया सुनाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर आया। बाहर आइए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं हूँ नहीं ऐसा। आई नो आई नो, माइंड मत करना बिल्कुल। प्लीज हम सुन रहे हैं एंड वी आर फ्रेंड्स प्लीज प्लीज। बहन भारत माखी। हेलो अजय भैया आप क्या कर रहे हो? आपने बोला था गालियाँ दे रहा हूँ। सुप्रिया दीदी लुक एट हिम, आप गालियाँ दे रहे हो। आप ही ने तो बोला था, मैंने ये बोला था आप ये गाओगे। तेरी और आपने क्या क्या बोला अभी? लुक एट हिम, वो क्या क्या बोल के चुके हैं अभी दीदी। शादी के दो दिन रह गए, आपने क्या क्या बोला अभी? मैंने आपसे पूछा था कि आपको गलियां आता है। तेरी गलियां गलियां गलियां, तेरी गलियां तेरी गलियां, मन को उलझावे भावे तेरी गलियां, भावे उलझावे गलियां तेरी गलियां। अजय भैया ये छोड़िए, वो बताइए जो पहले आप मुझे। तेरा मेरा प्यार तेरी गलियां 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 तेरी गलियां, होता है मेरा प्यार तुझसे। Hello. Is it Gaurav? Yes. Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from Office HR Department, Mumbai. Oh, yes sir, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है, मैं actually Office Mumbai में बैठा हूँ।
So, and congratulations, you are going to Bangkok, huh, company? Yeah, sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, I was talking to sales head, sir. I said that if our employees are doing this, why not? We should do that. Yeah, sir. But Gaurav, मैं अभी आपके sales figures देख रहा था and no doubt company इनको इसीलिए Bangkok भेजी है क्योंकि हर किसी ने achieve किया है जो target था. Yes, sir. But Gaurav, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है. Thank you, sir. सुपर धंधा लाए हैं आप. Thank you so much, sir. I think आप लाए थे, which is 25 lakhs. I think आप लाए थे. ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये. मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे. आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को. नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया. हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबसे सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे. यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग. आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर, आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है. मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए, ये आशु विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने. नहीं सर, मतलब लक था कुछ, तो उसकी वजह से हो गया ये. और जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको. नहीं देखिए, ऐसा है गौरव की ये मौके बार बार नहीं मिलते. हाँ मैं सर, एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से. नहीं, आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ. लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन. नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बीमार है तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना भगना वाना सब कुछ. बहुत बीमार है. बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है. अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबियत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा. अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ, तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में. ये कब हुआ है? ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए इस चीज को. आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है. गौरव, आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक. मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बोलता हूँ उसको, ट्रैवल एजेंट को, कि आपको कैंसिल करे, यू नो, धीरे धारा आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो. नहीं नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है. नहीं, देखिए, मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है. आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव. नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी. अब तो मुश्किल है सर. उनका ठीक होना? नहीं, मेरा यहाँ रुकना. नहीं सर, आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस. ठीक है, थैंक यू सर. Dilli ka don, Dilli ka don, Nave, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Rastogi ji, kya haal chaal hai? Bhaiya ji, kaun bol rahe? Madhav bol raha hu main, Piyush ke ghar se. Madhav? Piyush ka chacha hu, shaadi ka sara intezam maine hi dekha tha. Acha, kahan ji, namaskar ji. Namaskar. Namaskar. आपको इनविटेशन गया था शादी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना ही था. आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी. बारात घर में आप सब देख रहे हो, सब शांति से बैठे हुए हैं. हाँ जी. जब खाना हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने हरी झंडी नहीं दिखाई. भाई, एक तरीका होता है कि जब मैं आके कहूंगा लोगों से, आओ भी खाना खा लो, इसका इंतजार करते हैं. आपने प्लेट उठाई वहां से 11:45 बजे, मुझे याद है, मैं नजर से देखा था, 11:45 बजे आपने प्लेट उठाई सबसे पहले और खाना शुरू कर दिया. आपके चक्कर में 15 आदमी और उठ गए. 15 जब उठे फिर लोग रुकते हैं. आप पढ़े लिखे इंसान है रस्तोगी जी, मतलब ये तमीज होती है? नहीं तो मैंने तो 7:10 तक इंतजार किया, मैं देखता रहा कब खाना खुलेगा कब खुलेगा. तो आपके चक्कर में तो और उठ गए ना, आपके चक्कर में और उठ गए 40. नहीं तो खाना खाने के लिए तो था. तो खाना खा, आपको ये पता था कितनी चीजें तैयार हुई है, कितने हमारे आप में इंतजाम था ना. कोफ्ते अभी पूरे कच्चे रह गए थे, आपने खाना शुरू करवा दिया वहाँ पे. नहीं तो कोफ्ते नाश्ते में खिलाने थे आपने, उसी वक्त खिलाने थे ना 10:30 बजे. तो मैंने पूछा नहीं हमें किसी ने. 8:30 बजे का, 8:30 बजे के फंक्शन में हमें खिचड़ी बनाई, सुबह खिचड़ी खाई, रात को तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने हैं तो खाना ना मिले.
10:30 तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे, कब तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो। बताइए मेरे को एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी वहाँ पे? अरे भूख सबको लग रही थी, ये तो मैंने ऊपर खुलवाया, नहीं तो तुम्हारे गेस्ट तो चले जाते बिना खाए। मैंने जाकर खाना खुलवाया कि जो वहाँ पर बैठे हुए थे खाना तो खाकर जाए कम से कम। तुम्हारी परवाह नहीं है आपके लिए, आपको आपको ये लग रहा था अलग से मैं सर्व करवा देता हूँ। जीरो हॉस्पिटैलिटी, जीरो नंबर की हॉस्पिटैलिटी। मैं तो शादी में परेशान हो गया आकर, मेरे बच्चे सब आके सब परेशान खाने के लिए बैठे हुए। खाने से पहले कौन से आप रुके हुए थे बैठे? स्टार्टर में आपने खूब जलजीरे मंगाए हैं, मतलब चार जलजीरे पीना कोई नहीं, वहाँ देखने के लिए जलजीरे बता देते, कार्ड में लिख देते कि जलजीरा देखने के लिए है, ये लस्सी देखने के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए है, वहाँ सजाते थे ऊपर कहीं शीशे में ऊपर, तो हम वहाँ शीशे में देख के घर चले जाते। अब अगर वेटर सर्व कर रहे हैं तो मैं पीऊंगा नहीं क्या जलजीरा? बच्चों को ना पिलाऊं कोल्ड ड्रिंक? शर्मानी चाहिए, बहस कर रहे हैं आप ऊपर से। वेटर वो वेटर मेरे से शिकायत कर रहा हूँ सर, इस आदमी को भगा दे, उसने मेरी रेल बना रखी है, हर 5 मिनट में वेटर इधर लाओ वेटर ये लाओ वेटर। अरे तो कार्ड में लिख देना था ना, आओ लेकिन बिना खाए जाओ। बकवास मत करिए आप, समझ गए? नहीं तो मेरे को क्या कह रहे हो, ये कितने लोग बुलाए? मैंने 2500 लोग बुलाए थे। ये खाना तो 250 लोगों का पूरा ना हो क्या? क्यों? एक बार वो गाजर का हलवा 10 लोगों के लिए एक कटोरी में लेकर आता था, एक चम्मच खा लेते थे, कहते गाजर का हलवा। मतलब एक कटोरी भी था तेरे को मिल गया, मतलब तूने ले जरूर लिया, चाहे एक कटोरी था। ये मैं उसका क्या करूँ, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। ये खाना तुम लेके आया करो घर से, खाना अगर थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती 11 बजे तक खाना बुलाया करो ना लोगों को, मेरे को पता है आपकी जात कैसी है, क्या जात कैसी है? जो मैंने डिसीजन ले लिया ना, क्या डिसीजन लिया? लगता है मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। क्या क्या डिसीजन लिया तुमने भाई? नहीं अगर तेरे को जब एनवेलप खोलेगा ना अपना बोरा, उसमें देखियो अगर मेरा एनवेलप मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दिया, पहन आया बड़ा खाना खिलाने शादियों पे बेकार। हेलो। हाय मिस्टर विज्ञान। हाँ जी मिस्टर विज्ञान, आई एम राहुल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डेवलपर। ओ या हाय, हाउ आर यू? आपको और कितना टाइम लगेगा टू मेक द ऐप? सर दैट्स व्हाई आई कॉल यू, मैं आपको यही बताना चाह रहा था सर, आई एम स्टिल वर्किंग, उस पे काम चल ही रहा है। नहीं एक्चुअली सी आई हैव गिवन यू द पेमेंट एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस ऐप। आई नो वी आर स्टिल वर्किंग, अभी भी मैं देख के आया हूँ आपकी ऐप पे काम चल रहा है। यू नो दिस इज अ स्टार्टअप, हमें अपना और भी काम करना है और हम आपके कब तक इंटरव्यू में? आई नो इट्स अ स्टार्टअप और मुझे भी मालूम है कि कितनी जरूरत पड़ती है, बट मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर ऐप। आई नीड इट इमीडिएटली, आई गोइंग माय इज ऑन द लाइन। नो आई नो सर, सर सर लेट मी चेक, मैं एक बार और मैं स्टेटस बताता हूँ आपको कहाँ तक पहुंची ऐप। यू बेटर टेल मी राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू नो इट। आई एम सो सॉरी, आई विल टेल यू मिस्टर विज्ञान, वन सेकंड सर, मैं उसी कमरे में जा रहा हूँ लेके या और मैंने सारा स्टाफ आपकी ऐप पे लगा रखा है, इस वक्त सारा काम छोड़ के आप ही ऐप पे लगा रखा है। हाँ शंभु, ऐप का काम कहाँ तक पहुंचा है अभी, फसला मारो ना उस पे। मसाला इनकी ऐप पे कितना डालना है? मसाले में डाले डालो, डाल दो मसाले, डाल दो तो बस 2 किलो ठोको उसपे बल्ले को टका मार दो यार पागल, पहले गारा बनाना, पहले गारा बना फिर आप डाल, गारा बना पहले फिर आप ही आपसे काम चल रहा मिस्टर विज्ञान, मैं बस ये बोलना चाह रहा था यहाँ पे ऐप तो नहीं, ऐप बहुत है यहाँ पे, तो हम मैं रेडियो मिर्च से नवीन बोल रहा हूँ, जहाँ आपने ऐप बनवाई हो वो जी मुर्गा नवीद के साथ। ये पागला दिल्ली का डॉन नवीद, दिल्ली का डॉन नवीद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हाय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाय सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking. Tracking पे लगा दिया है and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because
My phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also, आप अपने फोन का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके फोन को? Yeah, yeah. 6-7. लाजवंती ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से जरा सी अंग्रेजी बोलो आदमी ऐसा इम्प्रेस हो चोरों को ही पासवर्ड दे दे तू जा घर को हेलो हाँ भैया अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहा हूँ अपना कौन बोल रहा है तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं मैंने कहा कैसे खुलेगा ये बात कह दी एक तरकीब है मेरे पास 6-7 पासवर्ड तेरा अब देख है यहाँ में बोल कहाँ से रहा है ऐसे पागल हूँ बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूँ ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा अच्छा गाली दे रहा है अभी ज्यादा तड़ी भला तमीज से बात कर ले बता रहा हूँ लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को फोन बाल्टी में भाई भाई सुन अद्धा मार दूंगा ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा मेरी बात तो सुन भाई नहीं भाई मेरी गलती हो गई सॉरी बोल रहा हूँ मैं तू पैसे ले ले पैसे ले लो मैं गुस्से में इज्जत ज्यादा चोर की एक चोर की इज्जत ज्यादा पैसे से मत खरीदो अद्धा मार दूं स्क्रीन पे भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा तुम मेरी इज्जत बन जाएगी इज्जत का क्या करेगा तू हाँ फिर गाली दे रहा अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके भाई भाई मैं फोन वापस मैं कंप्लेन सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा ये बता तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या गाली क्यों दे रहा हूँ पहले भाई गलती हो गई सॉरी बोल रहा हूँ भाई तू जो बोलेगा वो भाई देख उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है ऑफिस का भी सामान है भाई तू जो बोलेगा तो पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई पैसे ना चाहिए मुझे मेरे पास कमी नहीं है एक दिन में चार चुरा लूँ तेरे भी उससे पैसे चाहिए गाली दे रहा है छोड़ दूंगा स्क्रीन चूरा चूरा कर दूँ सारी मूड खराब कर दिया तूने मेरा भाई मूड अच्छा कर ले यार मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई कुछ तो बोलिए फोन चाहिए तुझे वापस हाँ भाई जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार गाना सुना कोई है गाना सुना कोई अद्धा मार स्क्रीन पर बता रहा हूँ भाई लेकिन यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं अच्छा भाई क्या चाहिए भाई गाना तो सुना जल्दी मुझे अरे सुना रहा हूँ भाई सुना रहा हूँ मैं शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं तू भी शायर तो नहीं हम शायर तो नहीं और कोई शायर तो नहीं मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई सही आता है भाई अब क्यों कर रहा है भाई यार ये 7,000 रुपए ले ले इसमें एक नंबर है पिया नाम की लड़की है उसका नंबर दे भाई प्लीज एक सेकंड 5 के तो 7 ले ले यार पिया हाँ भाई यू राइट पिया प्लीज दे भाई इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई डिलीट कर रहा हूँ मैं गाना सुना कोई अच्छा मुझे अच्छा लगा फायर फायर कोई दूसरा गाना सुना मूड खराब कर दिया तूने भाई कौन ये 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 दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल में सोने दी बेबी डॉल में सोने दी भाई अब दे दे यार फोन भाई एक सुना रहा हूँ भाई सुन ले अब ठीक है किल दा 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 दिल दिल किल दिल किल भाई अब दे दे यार अरे विपुल हेलो अरे विपुल रेडियो में चीज़ से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार भाई मजाक कर रहा था मैं मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में विपुल अरे ठीक है यार कोई नहीं विपुल डोंट वरी यार मैं तुम्हारा फोन डोंट मांगा प्लीज हाँ यू टेक केयर बाय Billy Cardon, Navid, only on Radio Mitchie 98.3 FM. It's hot. Billy Cardon, Billy Cardon, Navid, only on Radio Mitchie 98.3 FM. It's hot. हेलो भाई यस हाँ भाई मैंने ओएक्स पे अभी इंटरनेट पे सेपलेंडर डाली बेच रहा हूँ देखने तो देख ली तू भी मतलब अभी सेपलेंडर बेच रहा था मैं मुझसे किसी ने कहा
कैसे भेज दे, मैंने वहाँ पे डाल रखी, तो खरीदने देख लीजो। तुम मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू कि बताई ना है। तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी है, या कुना चाहिए वाकुना चाहिए, मैं तो ये कर दी, तू मुझे लगा तो चाहिए, देख लियो देखने में कहा जावे। नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है काले रंग की, सिंगल हाथ की चलूंगी 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो। हाँ भाई वही बोल रहा हूँ, तूने ये तो पूछी ना कहा मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो तूफानी मेल, पीछे स्टिकर भी सावन आया, झुमके गाड़ी चलेगी घूम के है? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झुमके गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तो मैं क्या करूँ फिर? देखी ना तूने अभी तक? अभी जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाएगी फिर, मत कहिए मना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं 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 लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो। हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने पे स्प्लेंडर बेचने के लिए आया दियो है, अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको। मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं नहीं लेनी। तो कोई बात ना हो, मर्जी है तेरी। हेलो। पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। शौकर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी। नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे नहीं नहीं मत चिल्लाए सुनवाए, फिर बाद में मत कहिए बताई ना, तो कोई और नहीं लेनी। लेनी तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। यार नहीं 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 लेनी। हेलो। दे ले आप, देख दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश देके गए, पहले कह रहे हूँ ले ले ले। जमाने देखो ना स्टीकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे साबन आए झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए, अब ले ले कहाँ से ले गए, मलते रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली देख पूछे कभी ना बताने, कहूँ कौन बोल रहा हूँ, समझ गया? अच्छा नवीद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने। अरे FM Dilli ka don, This Dilli ka don, Nave, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello? प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है अगले माह की 1 तारीख से 1 सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे। डियर कस्टमर प्लीज नोट, 50 पैसे पर सेल्फी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट फ्रॉम 1st August 2015। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 9816554 पे संपर्क करें। अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी। वेरी गुड इवनिंग, मैं आपका स्वागत है, मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मैं कौन बोल रहा हूँ? राकेश बोल रहा हूँ मैडम, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? से क्या लगा रखा सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे, काहे को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, तो कंपनी की तरफ से है। काहे की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियाँ खींचने में, तुम्हारा हरज है कोई है? मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं, महीने के शुरुआत में 5 सेल्फी तो फ्री है मैडम, इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री है, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है। 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? दिन में 6-7 सेल्फियाँ तो आधे घंटे में खींच जा, तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों का पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितनी फ्री रखें यार, आप ऐसे मेरे पे जो चौड़ा हो रहे हैं आप जो गुस्सा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? बिल्कुल ही नहीं समझते, तुम्हारा क्या हराज है कमबख्त को इसके पैसे काटो हो, हजारों खींचेंगे हम तो, ले खींच रहे जो ले मैं, देख एक और खींची। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे कैसी कंपनी? कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर जब तो बता देना, हम कुछ भी है जब मैं बताता हूँ सेल्फियों के पैसे कटेंगे और तुम्हारा हरज क्या कमबख्त
हम पे जुर्म करने को हम पे रह गए, हम ही रह गए। तुम्हें नजर में आता कुछ और किसी और चीज के बिल का तो बैठे। मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। ऐसा कंट्रोल तू बतावेगा कंट्रोल? 150 सेल्फी ले हुए जब एक आवे धमकी धमकी एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा है? कंपनी से बात करा मेरी, उनका क्या हरज है इसमें? हम कितने भी ले हुए मैडम, एक तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 सेल्फी के कट रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी। तो मेरी कंपनी से बात करा, घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। कैसे तुम्हारा क्या हरज है? आप कोई हरज है सेल्फी खींचने में? 50 लू चाहे 200 लू चाहे 300 लू, नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचू, अभी ले रही हूँ, ले ले। अब मैं लूंगी, ले एक ले ली, अब करे कुछ करे। पैसे काटेंगे वहां से आए बड़े काटने वाले, कंपनी वाले भी होके पैसे काटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में ये कैसी कंपनी चली रही है। बहुत अच्छा, मेरी बात सुनिए, सेल्फियों के पैसे कटेंगे? नहीं बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं 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 बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ऐसे कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ, कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप सुनिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे उठा के वहां से, कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख लेंगे फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं इसलिए मैं कितनी सेल्फी लूंगी। मैं Dilly ka don, Naveed, only on Radio Machine 98.3 FM. It's hot. Dilly ka don, Naveed, only on Radio Machine 98.3 FM. It's hot. हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? वेरी गुड इवनिंग मादी बैठन अच्छा करे करे कॉल सेंटर का फोन, तो पागल समझा मेरे फोन, मेरे फोन से आंदा रहता यार तुम्हारी माँ को काम नहीं है, कॉल सेंटर ऐसे फोन करते रहते हैं, मेरे नंबर मिला तो पै है। सर मेरी बात आप सुन नहीं रहे, मैं आपसे कुछ गल की माता एक अगर कॉल सेंटर ही नंबर ही मेरे ही नंबर मिले, मैं खाली बैठा तो है जब भी देखो मैनू फोन मिला देते पैच है पैच शर्म नहीं आती है यार, लोगों को तंग करके रखे यार, लोगी आ गई पागल हो गई है फोन आ गया यार, शर्म ही नहीं है एक बार भी यार, कि तो बंदे तो इंसान तो सोच तो लिया करो यार कि बंदा फोन मिला खाली बैठा समय नहीं है। माँ तेन कि बार क्या यार कहती गुड इवनिंग माँ है, मैं तुम्हें की गुड इवनिंग कह रही है, मैंने कोई ना बिच करा करो गुड इवनिंग गुड इवनिंग है। सर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाह रहा था। तुम जरूरी गल दस, केड़ी जरूरी गल करनी है तू, कब दस नहीं जरूरी गल दस तू। सर मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन का SHO बोल रहा हूँ, एक यहाँ मर्डर हुआ है जिसके सिलसिले में मैंने आपको फोन किया था। एना दी पैन द कॉल सेंटर वाला दी, आई एम रियली सॉरी सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज ऑल SHO साहब है ये तो बोल वेरी गुड इवनिंग। 98.3 FM. It's hot.